नमस्कार दोस्तों, ग्रीन टेरेस हरियाणा चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और नई अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसके अंदर मैंने मैंगो प्लांट्स और कुछ सिट्रस वैरायटी के प्लांट्स ऑर्डर किए थे माँ अन्नपूर्णा नर्सरी से। तो चलिए दोस्तों, पहले तो ये देखिए पैकेजिंग कितने अच्छे से कर रखी है और इसमें सुंदर से सुराख कर रखे हैं और पत्तों की कंडीशन देखिए, बिल्कुल ताज़े हरे भरे पड़े हैं। चलो इसको हम काट के देखते हैं पहले इसके अंदर हमारे पौधे कैसे और किस हालत में हैं। तो वीडियो को साथ बने रहिए दोस्तों और पूरा वीडियो अवश्य देखें। चलो काटना स्टार्ट करता हूँ। पैकेजिंग देखिए कितने अच्छे से कर रखी है, रस्सियों के साथ बांध रखा है ताकि हमारा पौधा रास्ते में कहीं हिले ना। और ये देखिए टेप भी अच्छे से लगा रखी है। चलो मैं इसको ऊपर से खोल लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों पौधे कितने हरे भरे पड़े हैं इसके पत्ते। ये थोड़ा सा बीमारी वाला पत्ता है एक, इसको मैं हटा दूँगा अनबॉक्सिंग के बाद। तो चलिए दोस्तों अब इसको मैं पूरा खोल के दिखाता हूँ आप सबको। वीडियो थोड़ा मुझे पॉज करना पड़ेगा। एक ब्लेड ले लें ताकि आसानी से ये पौधा का जो डब्बा है पार्सल ये कट जाए। और काटते समय हाथ अपना ध्यान रखें, ध्यान से काटें, कहीं उंगली उंगली पे ना कट जाए। लीजिए दोस्तों हमारा पौधे देखिए बाहर निकल चुके हैं। और ये देखिए एक पौधा तो ये टूट चुका है। ये कौन सा पौधा टूट चुका है ये बाद में पता लगेगा, अनबॉक्सिंग के बाद ही टूटा हुआ ही पहुँचा हमारे पास। सिर्फ टूट गया पौधे का। और ये बांस की वो लगा रखी है डंडियाँ ताकि पौधा कहीं से मरोड़ ना खाए। देखिए लफाफे तो अच्छे से चढ़ा रखा है, पैकेजिंग तो बहुत सुंदर कर रखी है अनुकूल मोदक सर ने। ये देखिए इसके अंदर मैंगो भी है, ये बनाना मैंगो का पौधा है, बनाना मैंगो फल लगा हुआ था शायद, इसमें से ये टूट के झड़ गया। तो और देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या क्या है। तो ये देखिए ये पौधा तो हमारा टूट चुका है, बाकी सिट्रस के पौधे ठीक हैं। चलो मैं इसको एक एक करके अब निकाल लेता हूँ बाहर। ब्लेड के साथ बड़ी सावधानी से काट लेंगे पहले इनकी रस्सियों को। लीजिए गाइस देखिए मैंने सभी पौधों को बाहर निकाल लिया बॉक्स के अंदर से। और ये बॉक्स के अंदर से ये देखिए ये एक मौसमी टूटा हुआ मिला है और ये छोटे छोटे मैंगो के फ्रूट हैं, मौसमी का फ्रूट है ये भी। और एक ये जो पौधा है ये देखिए ये यहाँ से हमें टूटा हुआ मिला है। ये देखिए ये यहाँ से टूट गया है, ये पौधा बिल्कुल ही टूटा हुआ निकला इसमें से। तो दोस्तों ये देखिए अच्छे से रूट स्टॉक देखिए सभी का अच्छे से लिफाफे में बांध रखा है और ये पत्तों को भी बांध रखा है। ये देखिए पत्ते, चलो मैं इसको पहले खोल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने ये पत्ता का पैकेट खोला इसमें से देखिए कितनी सारी कीड़ियाँ निकल रही हैं अंडे ले लेकर के। ये देखिए कितनी सारी कीड़ियाँ, कौन से देश की कीड़ी कहाँ चली आई कुरियर में बड़ा ही अचंभित हो गया ये मैं भी देखकर। ये देखिए कितनी कीड़ियाँ, काटीमोन मैंगो है ये। ये कीड़ी भी अलग स्टाइल की है, ब्लैक कलर की अजीब सी। ये देखिए ये कीड़ी हमारी यहाँ पर नहीं पाई जाती है, ये वहीं से आई है। ये सब अलग वैरायटी की कीड़ी है। और ये है दोस्तों हमारा मौसमी का पौधा, ये देखिए फ्रूट इसमें लगा भी हुआ है छोटे से नहीं। मैं थोड़ा से दिखाने की कोशिश करता हूँ देखिए। और ये हमारा इंडियन मौसमी है, ये भी पौधा ठीक से पहुँचा है हमारे पास। ये हमारा बनाना मैंगो था जो कि ऊपर से ये टूट गया, देखिए ये टूट चुका है ये पौधा, ये शायद अब नहीं चलेगा, इसका सिर टूट गया है। नेक्स्ट पौधा हमारा है ये बारीवन माल्टा। ये देखिए ये अनुकूल मोदक जो हैं वो
उन्होंने ये पौधा मुझे गिफ्ट में दिया है, बारीवन माल्टा। और ये नेक्स्ट पौधा जो है दोस्तों, ये भी खाटीमोन मैंगो का पौधा है। ये देखिए साल में 2-3 बार फल देता है, इसमें भी बोर आया हुआ है, छोटे से ही में ही बोर आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर ग्राफ्टिंग की हुई है। ये अनुकूल मोदक जो है ये खुद ही अपने हाथों से ग्राफ्टिंग करते हैं। और ये जो प्लांट है हमारा, देखिए ये भी ग्राफ्टिंग का, यहाँ पर इसकी ग्राफ्टिंग की हुई है। नेक्स्ट जो हमारा बनाना मैंगो है, इसमें भी यहीं पर ग्राफ्टिंग की हुई है। ये देखिए माँ अन्नपूर्णा नर्सरी के जो ऑनर है अनुकूल मदक, वो खुद ही इस टाइप की वो कलम करने के माहिर है। नेक्स्ट पौधा जो हमारा है, ये भी इंडियन सिक्की मौसमी है, इसमें भी देखिए ग्राफ्टिंग की हुई है यहाँ पर। ये देखिए ग्राफ्टिंग यहाँ पे की हुई है। और ये वाला जो पौधा है दोस्तों, ये भी काटीमोन मैंगो है दोस्तों। ये देखिए ये भी यहाँ पर जोड़ कलम किया हुआ है, बहुत बढ़िया कंडीशन में पौधा है, इसमें भी फूल निकला हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों ये है बेतना माल्टा, ये भी अनुकूल मोदक सर ने हमें गिफ्ट में दिया है। ये पौधा देखिए कितना सुंदर पौधा, और इसमें भी ग्राफ्टिंग लगी हुई है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर इसकी ग्राफ्टिंग की हुई है। देखिए अब क्या करना है दोस्तों, आपके पास भी अगर ऐसे पौधे दोस्तों, तो सबसे पहले इनके लिफाफे सब उतार दीजिए और इसको खुली छत के नीचे, ऐसे खुली आसमान के नीचे इसको रात रहने दें, और इस पर पानी की शावरिंग कर दें अच्छे से। इसके पत्तों को, पन्नों को अच्छे से खोल लें। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से पैकेजिंग कर रखी है, इसके अंदर कोकोपीट का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए कोकोपीट इसलिए दी जाती है, ये बहुत ही कम ही नर्सरी वाले कोकोपीट के साथ बेचते हैं प्लांट। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये देखिए इससे पौधा के अंदर मैचर बना रहता है, इसीलिए हमारा पौधा देखिए हरा भरा पड़ा है। सभी पौधे इन सभी के अंदर कोकोपीट डाली हुई है, ये देखिए यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, सभी में दिखाई दे रहा है। तो माँ अन्नपूर्णा नर्सरी के अंदर जो पौधे मिलते हैं, मैंगो का पौधा स्पेशल बिल्कुल ओरिजिनल, पहले खुद ट्राई करते हैं, जाँचते हैं, फल लगने के बाद फिर ग्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अब इसको हम शावरिंग करेंगे अच्छे से, ताकि ये सफ़र करके आए हमारे पौधे, ये इनको थोड़ा रेस्ट मिले। तो ये देखिए दोस्तों, इन मैंने इसमें से जो एक्स्ट्रा कोकोपीट थी मैंने इस लिफाफे के अंदर निकाल लिया है इन सब में से। और ये देखिए पौधे एक बार दूर से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मेरे सभी प्लांट्स जो पहुँचे हैं मेरे पास, उन सभी को अब मैं अच्छे से पानी के साथ नहला दूंगा। वैसे तो मौसम भी वो देखिए बादल हुए हुए हैं, इसको मैं खुले आसमान के नीचे ही आज रखूंगा, इन मेरे जो बाकी के प्लांट्स हैं इनके साथ। तो चलिए दोस्तों इसको नहलाने की तैयारी करते हैं। मेरे स्प्रे बोतल में मैं पानी भर के ले आता हूँ, तो लीजिए फ्रेंड्स मैं पानी भर के ले आया। अब मैं इसको अच्छे से ऐसे वॉश कर दूंगा, साफ हो जाए पानी के साथ, इनकी जो सफ़र करके आए हैं थकावट हो जाती है पौधों को भी, तो उनकी थकावट दूर हो जाएगी इससे। तो ये देखिए दोस्तों पानी लगने के बाद भी कीड़ियाँ चींटियाँ कैसे निकलनी स्टार्ट हो चुकी हैं, इसको अच्छे से नहला देता हूँ मैं। और आज मैं सिर्फ इसको पानी से नहलाऊंगा, और कल इसके अंदर मैं फंगीसाइड का स्प्रे करूँगा, ताकि इसमें कोई भी फंगस होगी रास्ते में आने के बाद लगी होगी तो वो चली जाए। ये देखिए दोस्तों ऐसे आप भी अपना पौधे को नहला दिया कीजिए, देखिए पानी के संपर्क में आने वाला पौधे कितने चमकदार हो गए हैं, कितने खिलखिला रहे हैं। और एक भी वो देखता हूँ दोस्तों, ये देखिए मैं मिट्टी तैयार कर रहा हूँ, ये गार्डन सॉइल है नॉर्मल, और ये गोबर की खाद है, इन दोनों को कल मैं आपस में मिक्स कर लूँगा, अपने जो टेरेस गार्डन में बाकी पौधे लगा रखे हैं इनके साथ इनको भी मैं एडजस्ट करूँगा यहाँ पर। ये देखिए तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।
और आप भी अगर पौधे खरीदना चाहते हैं माँ अन्नपूर्णा नर्सरी से संपर्क कीजिए, आपको ओरिजिनल वैरायटी का मैंगो का पौधा विशेषकर मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।